भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे ब्लॉक थानों में हो या मंत्रालय में हो या नीतीश कुमार जी के साथ साथ बड़े घोटाले हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। आपने देखा होगा कि अब पहले से ही कई बार हम कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार, और उन्होंने चोर दरवाजे से फिर एक बार सरकार बनाने का जो काम किया वो भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि कैसे उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन सरकार में आने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। 60 बड़े घोटाले 15 साल में जो उन्होंने किया, और हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि भीष्म पितामह भ्रष्टाचार के इसलिए है क्योंकि जितने भी गुनहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको संरक्षण देना और बचाव करना ये नीतीश कुमार जी की पुरानी फितरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई मेरी बात पर तो मोहर लग रहा है जब आईएएस अधिकारी लिख कर रहे हैं चिट्ठी। कई अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने जो जांच करता है, उन्होंने तो खुले तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी बड़े अपराध या घोटाले हुए हैं उनको नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि आईएएस अधिकारी भी आप कह रहे हैं।